शक्ल देखी अपनी? सुना है सुंदरता का बहुत गुरूर है आपको, लगता है हमारे जैसा कोई मिला नहीं अभी तक। कुछ ज्यादा नहीं कहना इस सरकार से, बस इतना कहना है कि बॉर्डर पे खड़े जवान और अन्नदाता किसान को तो खुश रखो, वरना आपकी जिंदगी से खुशियां चली जाएंगी जनाब। तो भाई लोग, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी शायरी सुनाने के लिए जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद में आप बोलोगे ओपी। तो शायरी स्टार्ट करते हैं। अर्ज क्या है, तेरे चेहरे पे उदासी आंखों में नमी है, तेरे चेहरे पे उदासी आंखों में नमी है, टाटा नमक का इस्तेमाल करो क्योंकि तुम में आयोडीन की कमी है। कभी बिना मतलब के रिश्ता निभाया क्या तुमने, जिस्म ना चाहकर इश्क रूह से लगाया क्या तुमने? कभी बिना मतलब के रिश्ता निभाया क्या तुमने, जिस्म ना चाहकर इश्क रूह से लगाया क्या तुमने? और मुझे मत सिखाओ कि इंसानियत किसे कहते हैं, जब जमीर ही बेच दिया तो फिर कमाया क्या तुमने? कौन है रे? हम लोग CID वाले हैं, दरवाजा खोलो। काहे ला खोले? तुमसे कुछ बात करना है। तुम लोग कितना है? हम लोग 3 आदमी है। तो साले आपस से बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है। भगवान का दिया सब कुछ है, शौहरत है, दौलत है, इज्जत है। इज्जत? इज्जत है? हाँ इज्जत है। है थोड़ी है? मतलब कि इतना तजुर्बा तो दे दिया जिंदगी ने, अगर सामने वाले से एक बार बात करूं तो ये देख के बता सकता हूँ वो धोखा कब देगा। शक्ल देखी अपनी? शक्ल बावली, हमारा आधार कार्ड भी ना खो गया है। यार ये जरा जूता साफ कर देना, जरा मैं गेम खेल रहा हूँ। क्या? जरा जूता साफ कर देना यार, पागल हो क्या? अबे सुन, तेरी जी ना 36 आएंगी। 36 क्या, तू 1,00,000 के दिखा और उसके साथ ऐसा बिहेव करना जैसा मेरे साथ बिहेव करता है, उसने तुझे 36,00,000 गिरवा दिया ना, मेरा नाम बदल देना। अरे इस फ्री फायर ने तो हमें बहुत कुछ सिखाया है, दुनिया के बारे में हमको अच्छे से समझाया है, और गेम में मैं जिनको अपना दोस्त मानता था उन्होंने भी अपना असली रंग दिखाया है। और बेटा ये ज्यादा प्रो होने की अकड़ मत दिखा, क्योंकि तुम्हें फ्री फायर खेलना भी हम ही ने सिखाया है। तो देखो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, भगवान ने थोड़ा लालच देना चाहा मुझे तो क्या कहा फिर मैंने क्या कहा? खुदा ने कहा पूरी दुनिया की दौलत तेरे कदमों में रख दूंगा, पर तुझे रहना पड़ेगा अपनी माँ से दूर कहीं। खुदा ने कहा दुनिया की दौलत तेरे कदमों में रख दूंगा, पर तुझे रहना पड़ेगा अपनी माँ से दूर कहीं। मैंने कहा ऐ मेरे मालिक, चाहे और कंगाल कर दे पर तेरा ये फैसला मुझे मंजूर नहीं। ये तेरे बाप की बरात नहीं, तेरी कोई औकात नहीं इस गेम में। तू आजा मेरे स्क्वाड में, तुझे बहुत कुछ सिखाना है। मेरा गेम देख के तेरी बंदी बोले ओ मुझे तो तेरे स्क्वाड में जाना है। तेरी ए क्या मैं नल्ली क्लैन है मेरा। इधर मत जाना, अभी मैं जा रहा हूं कि तुम्हें रिवाइव करने के लिए। ये लो गाड़ी वाला आ गया। गाड़ी वाला मोहब्बत का तो पता नहीं, पर इन खामोश गलियों में दोस्तों की बड़ी याद आ रही है। अपन को ना लाइक एंड सब्सक्राइब करने का, लेकिन मजेदार होगा ठीक है। अरे आई थिंक ऊपर बंद है गाइस। हाँ गाइस, वो मैंने वो ड्रोन छोड़ा, देखो वहाँ ड्रोन पे देखो गाइस, वो देखो दिख रहा है रेड दिख रहा है। देखो इधर एनिमी भाई मारे तो मारे कैसे गाइस, ये खतरनाक लौंडा है भाई। देखो देखो थोड़ा सा हेड दिख रहा है, लेकिन गोली क्या नहीं लग रहा है भाई इसके। वो अच्छा इसमें कवर में होगा शायद, ये इसलिए ना गाइस। मेरे पास ना एक बड़े से आइडिया, देखो मैं इधर इधर मर जाऊंगा। ब्लासुर भाई तुमको बस मेरे को रिवाइव करना है ठीक है, तुम रिवाइव करना मेरे को। रिवाइव कर दो गाइस, देखो अभी उड़ के इसको ना अभी दिखाते, रुको ये लौंडा भी क्या दर्द ये दिखाते गाइस। नहीं 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 नहीं, नीचे चला गया यार गलती से भाई, शिट मैन। और एक बार ट्राई करते लेट्स। अरे हो गया हो गया हो गया, क्या भाई क्या रैंक पुश चल रहा है क्या बेटुआ? ओ माय गॉड गाइस क्या बोलूं मैं भाई। मार देते गाइस हेड हेडशॉट हेडशॉट ए हेडशॉट, अपुन से पंगा बेटुआ। वो सुकून वो खुशियाँ इस दुनियादारी में कहाँ, जो खुशियाँ ममता की छाँव में मिलेगी। वो सुकून वो खुशियाँ इस दुनियादारी में कहाँ, जो खुशियाँ ममता की छाँव में मिलेगी। और ये तुम किनकी बातों में आ गए दोस्त, मेरी असलियत की तस्वीर मेरे गांव में मिलेगी। आपको पागल बनाने का कोई इरादा ही नहीं था हमारा,
वरना झूठ बोलकर अच्छा और सच्चा तो हम भी बन जाते थी। हर आने वाले तूफान से पहले एक जानलेवा खामोशी छा जाती है। तुम, हम गलत अल्फाज पसंद नहीं करते, हम तुम नहीं आप हैं। सिमरन, एक्चुअली मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। बोलो। हाय। हाय। हाय बोला, हाय भाई। ओ भाई, कल भाभी फोन आए थो। के का होती? नो का होती, पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, बम का जमाना, उड़ा दो साड़े को। नो 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 नो। के हार जीत को साइड पे रख दे, जिसमें सिर्फ जिंदगी या मौत मिले, हमारा नंबर सिर्फ उस खेल में आता है। और हमसे दिल लगाने की गलती मत कर मोहतरमा, मेरा तीनों वक्त का खाना जेल में आता है। कि जिसके बिना एक मिनट नहीं रह पाते थे, जिसके बिना एक मिनट नहीं रह पाते थे, उसके भी हाथ जोड़ना पड़ा। जब बात आ गई ना मेरे आत्मसम्मान पे, तो सच्ची मोहब्बत को भी छोड़ना पड़ा। कहती है, प्यार में कुछ ऐसा करो जो हरकत किसी ने ना की हो। मुझे बहुत सी गालियां आती हैं, कोई ऐसी दे दूं जो किसी ने ना दी हो। शक्ल देखिए अपनी। सुना है सुंदरता का बहुत गुरूर है आपको, लगता है हमारे जैसा कोई मिला नहीं अभी तक। मैं फिर आ गया अपना सिर्फ उसे लगता था कि नहीं लौटेंगे, चला जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। आप भी कभी ट्राई करना कि फैक्ट्री की ओर जाएं और दो पैक जरूर से लगा लेना, और फिर देखना आप फैक्ट्री किंग क्यों नहीं बनते। मेरे भाई फैक्ट्री पे कदम हमारा और सामने से वुकोंग का वार, और ये देखो भाई वुकोंग को थोड़ी भी तमीज नहीं, दो ही पंचेस में गायब। मेरे भाई हेल्थ लेके घूम रहा था कि क्या लेके घूम रहा था, सामने चार बंदे लड़ रहे हैं अंधाधुन, आगे पीछे की तमीज नहीं, बस आपस में लड़ रहे हैं। दोस्तों फ्री फायर में बहुत अमीर लोग भी हैं, बहुत गरीब लोग भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हजारों के टॉपअप करते हैं मेरे भाई, और कुछ लोग 100 रुपए वाला टॉपअप भी बड़ी मुश्किल से करते हैं। लेकिन मैं अपने लिए नहीं सोच रहा भाई, मैं उन बंदों के लिए सोच रहा हूँ जो बेचारे एक एक लाइट पास भी नहीं निकाल पाते हैं। मैं उतना भी अमीर नहीं हूँ भाई कि यार मैं हर टॉपअप इवेंट ले पाऊँ, मैं सिर्फ एक एक लाइट पास हर महीने। जो लड़कियाँ अपने आप को समझती हैं आलिया, उन्हीं को मिलता है कालिया, और उनके लिए बजाओ तालिया। अरे वो हर बात तुम्हारी माने, चाहे तुम ठुकरा दियो, वो मिल जाए कभी माँ बाप से बड़ी मोहब्बत तो भाई माने जिंदा जला दियो। जहाँ कोई खड़ नहीं सकता ये वहाँ शेरों की तरह रहते हैं, इनकी एक दहाड़ से दुश्मनों के पसीने बहते हैं, और मैं जिन शेरों की बात कर रहा हूँ ना उन्हें हिंदुस्तान के फौजी कहते हैं। खुदा से सिर्फ एक ही ख्वाहिश के कभी घर की मर्यादा लांगनी ना पड़े, के उस ऊपर वाले से सिर्फ एक ही ख्वाहिश के कभी घर की मर्यादा लांगनी ना पड़े, और करोड़ों नहीं कमाने मेरे भाई, बस इतना बहुत है कि कभी किसी से कोई चीज मांगनी ना पड़े। फर्क नहीं पड़ता लोग पीठ पीछे क्या कहते हैं, हम तो अपने मजे में, और लोग बेफालतू में सिर दर्द लेते रहते हैं। Todo dia eu viajo para o colégio com a caneta azul e uma caneta amarela. अरे कल्लू भाई तुम ज्यादा इमोट नहीं दिखा रहे हो क्या, ये इमोट फ्री में दिया ना कल्लू, कुछ ज्यादा। अरे भाई लॉल दिखा रहा है, ओ माय गॉड, नहीं 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 लॉल दिखा रहा है भाई, ये तो सही नहीं है। ये देखो गाइस कल्लू भाई, देखो लॉल दिखा था ना, इसको बदला तो लेंगे अपन, ठीक है। ये देखो गाइस स्कैम कर रहा है, देखो देखो देखो, मेरे पास बड़ी ऐसा आइडिया गाइस, इसको ना इधर से घूम के मार सकते हो, पता है। ये देखो कैसे काम कर रहा है, घूम के देता है, रुक जाओ बिटुआ को दिखाते, इसके ऊपर से जंप करके जाना पड़ेगा, देखता हूँ क्या होता है, लेट्स सी भाई इसको। भाई कल्लू, अब कल्लू कुछ ज्यादा ही दिखा रहा था भाई, मेरे को ऐसे लॉल दिखा रहा था ना गाइस, इसको बदला तो चाहिए, देखते क्या होता है, लेट्स सी।
गाइस कल्लू इधर इधर ही होगा आई थिंक, रुक जा क्या होगा यार, बैठा है क्या इधर? अरे बैठा बैठा भाई, देखो देखो देखो, मैं सोच ही रहा था भाई कल्लू को देखो भाई, लोल दिखा के गलती कर दिया तुमने वीरू। ओ भाई साहब सीन तो देखो यार, अरे भाई साहब यार इसको मारते हेड मारते बिट्टू, लोल दिखाओगे लोल? हाँ अपन को लोल। और भाई क्या हाल है? और भाई क्या हाल है? कैसा खड़ा? कैसा खड़ा? अच्छी है भाई हमारी कॉपी। अच्छी है भाई हमारी कॉपी। चल फिर ठीक है, चल फिर है ठीक है। यार मैं बचपन से बहुत बड़ा वाला चूतिया हूँ। अच्छी है भाई बताया ना कभी। बड़ी थी। अब ना करेगा हमारी कॉपी। चूतिया ना पहले